गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और बताइए कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। सो गाइस, मैं आज अपना येलो साड़ी कलेक्शन लेके आई हूँ। जो शादी का सीजन शुरू होने वाला है और ये शायद ये वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल हो, तो इसीलिए मैं अपने जितनी भी मेरी साड़ी येलो साड़ी हैं, मैं उसका कलेक्शन आप लोग से साथ जरूर शेयर करूँगी। तो आज का मेरा वीडियो येलो साड़ी कलेक्शन ही है। तो मैं अपना वीडियो ज़्यादा बातें नहीं करती हूँ, अपने वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। आप लोग को येलो कलर की साड़ी है, ये इसका आंचल है, ये इसका आंचल है गाइस। और पूरी साड़ी ऐसे है, इस टाइप में साड़ी है। ये मेरी साड़ी आप लोग को दिखाते हैं गाइस, ये आंचल और पूरी साड़ी ऐसे ही है। ये साड़ी बहुत ही खूबसूरत है और ये साड़ी मैं जॉर्जेट टाइप में नेट पे है। मैं आप लोग को दिखाती हूँ गाइस, ये इसका कपड़ा इतना थीन है और एक मिनट, ये इतना थीन है। ये काफ़ी खूबसूरत है, पहनने में बहुत ही अच्छा लुक देता है गाइस। तो इसके ब्लाउज मैं आप लोग को दिखाती हूँ। सो गाइस, साड़ी इस साड़ी का ब्लाउज मैं ऐसे कुछ ऐसा बनवाई हूँ, ये आगे का, और ये आगे से बिल्कुल सिंपल सा है। और इसमें मैं अपने चारों तरफ लेस, मेरे चारों तरफ ऐसे लेस लगा हुआ है ब्लाउज के किनारे किनारे, और ब्लाउज के बाही का ऐसा कुछ ऐसा डिजाइन दिया गया है। सो ये साड़ी और बीच में बाही में ये बना हुआ अच्छे से डिजाइन दिया गया है। तो ये ब्लाउज और ये साड़ी, ये ब्लाउज जो है साड़ी का लुक और भी अच्छा बना देता है गाइस। तो अगर आप ये साड़ी का ये ब्लाउज है जो बहुत ही खूबसूरत है, देख रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत साड़ी और ब्लाउज का कॉम्बिनेशन है। तो मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है, मैं आप लोग को दिखाऊंगी पहन के साड़ी को। ये मेरी दूसरी साड़ी है और ये चुनरी प्रिंट में है। ये साड़ी बहुत ही खूबसूरत है, इसका कपड़ा शिफॉन है, ये चुनरी प्रिंट में है गाइस। इसमें पूरी साड़ी ऐसे ही है। मैं ये आँचल साड़ी का ये मैं आपको दिखाती हूँ, ये आँचल साड़ी का। और बाकी पूरी साड़ियाँ ऐसे ही, पूरी साड़ी कंप्लीट है, पूरी साड़ी में ऐसे ही कंप्लीट काम हुआ है गाइस। बहुत ही खूबसूरत साड़ी है ये, बहुत ही खूबसूरत, और दुल्हन के ऊपर तो ये साड़ी बहुत ही खूबसूरत लगेगी। और बारात शादी के टाइम येलो साड़ी पहना जाता है, तो आप लोग, मैं आप लोग से सलाह जरूर दूंगी कि ये चुनरी में और काफ़ी खूबसूरत लाइट वेट साड़ी है और बहुत ही सुंदर है। इसके मैं आप लोग को ब्लाउज शेयर करती हूँ। सो गाइस, इसका ब्लाउज कुछ ऐसा बना हुआ है, सिंपल सा, इसका ब्लाउज सिंपल सा है, देख रहे हैं आप लोग। मैं इस ब्लाउज में कपड़ा थोड़ा सा कम था, तो मैं इसमें कोई डिजाइन नहीं डलवाई, सिंपल सादा सा है मेरा ये ब्लाउज है, बहुत ही खूबसूरत है और येलो में। सो गाइस, ये मेरी तीसरी साड़ी है और ये साड़ी सिल्क की साड़ी है। ये साड़ी बहुत ही खूबसूरत है, अपने आप में सिल्क के तो कोई वही नहीं है, उसका तो कोई कोई तुलना ही नहीं कर सकता। कोई सिल्क साड़ी चाहे मोटे हो, दुबले हो, किसी प्रकार की भी हो, और ख़ासकर पतली लड़कियों के लिए तो ऊपर बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो गाइस, ये सिल्क साड़ी बहुत ही खूबसूरत है, काफ़ी इसमें वर्क हुआ है, मैं आप लोग को दिखाती हूँ इसका आँचल। सो गाइस, ये मेरी साड़ी तीज व्रत में मैं इसको ली थी, और हाँ, मैं मंदिर में गई थी पूजा करने, तब का ये पिक लगा हुआ है। तो इसमें बीच बीच में स्टोन लगा हुआ है, मेरी साड़ी मैंने इसको लिया था। ये साड़ी बहुत ही खूबसूरत है गाइस, वो सिल्क काफी अच्छा सिल्क है, वो सिल्क जो फूला फूला रहता है, ऐसा इसमें कुछ नहीं है। इस साड़ी का कुछ, इस साड़ी का ब्लाउज देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। ये साड़ी बहुत ही खूबसूरत है गाइस, सिल्क साड़ी है और सिल्क ऐसा कपड़ा है, इसका तो कभी फैशन आउट होता ही नहीं है। तो आप लोग से जरूर कहेंगे कि आप लोग एक सिल्क साड़ी, अगर किसी की शादी अगर तय हो गई है, तो आप लोग अपने साथ एक सिल्क साड़ी जरूर लीजिएगा। और जो दुबले लड़कियां होती हैं, उनके ऊपर तो सिल्क साड़ी बहुत ही खूबसूरत लगती है। तो इस साड़ी का ब्लाउज कुछ गाइस इस प्रकार है,
सिंपल सी साड़ी है, सिंपल सा इसका ब्लाउज है, ब्लाउज थोड़ा सी लंबी मैं यहाँ तक की हूँ इसका। और मैं इसमें ये ब्लाउज में दी गले पे अलग से कपड़ा, रेड कलर का कपड़ा मैं दिखाती हूँ, ये एक सेकेंड लाइट पड़ा इस पर, तो ये ऐसे मैं इस पर किनारे किनारे अलग से कपड़ा लेके इस पर लगवाई हूँ, जो पहनने पे बहुत ही खूबसूरत लगता है इसका गाइस, इसका लुक बहुत ही अच्छा देता है गाइस। और इसकी मैं यहाँ तक बाई है, ज़्यादा लंबी नहीं यहाँ तक है, और ये बहुत ही अच्छी लगती है, तो आप लोग जरूर। तो ये साड़ी बहुत ही खूबसूरत है, ब्लू और येलो कॉम्बिनेशन है इस साड़ी का, ये साड़ी बहुत ही अच्छा लुक देता है गाइस, देख रहे हैं। और इस साड़ी का आंचल कुछ इस प्रकार है गाइस, और ये बहुत ही खूबसूरत है, ये सिल्क कॉटन सिल्क में। सो गाइज इस साड़ी को मैं पट सावित्री व्रत में पहनी हुई हूँ, वहीं पूजा कर रही थी उस समय की ये भेंट है। ये देखिए इतनी खूबसूरत साड़ी है कि इसको वेयर करने के बाद तो सारा लुक ही चेंज हो जाता है, और ये बहुत ही खूबसूरत साड़ी है। येलो कलर की बात ही अलग है, जैसे भी जिस भी जैसा भी आपका कलर हो, येलो कलर की साड़ी सब कलर पे अच्छे लगती है। लोग बोलते हैं कि मैं मेरा कलर थोड़ा सा डल है, तो मुझे कौन सी साड़ी का कलर, कौन सी ऐसी साड़ी पहननी चाहिए कलर की अच्छी लगे। तो गाइस येलो कलर ऐसा है कि आपका जैसा भी कलर है चेहरे का, तो वो हर चेहरे पे अच्छी लगती है। कहीं से अगर किसी फंक्शन में हम लोग येलो कलर की साड़ी पहनी हुई किसी को देखते हैं, चाहे साड़ी हो, चाहे सलवार सूट हो, चाहे टॉप हो, ले येलो कलर अलग से ही अच्छे से ही उसका लुक दिखाई देता है। ऐसे मेरा साड़ी कलेक्शन आप लोग को कैसा लगा, साड़ी कलेक्शन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, न्यू हो तो सब्सक्राइब करिएगा। मैं और भी अपने येलो साड़ी कलेक्शन लेके आऊँगी दूसरी वीडियो में, क्योंकि वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग जा रहा था, इसलिए मैं अपनी वीडियो को यहीं पर स्टॉप करती हूँ। और मेरा सिर्फ इतना वीडियो बनाने का उद्देश्य था कि जिसकी शादी तय हो चुकी है या शादी होने वाली है, तो उन लोगों को थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा कि मुझे इसकी साड़ी में कैसा ब्लाउज से डिज़ाइन करवाना है। तो बस मेरा उद्देश्य था कि मैं अपना कुछ साड़ी आप लोग से शेयर करती हूँ, जहाँ शायद आप लोग कुछ आइडिया मिल जाए साड़ी लेने में और ब्लाउज डिज़ाइन करवाने में। तो आप लोग को वीडियो कैसा लगा प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, और न्यू हो तो सब्सक्राइब करिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में ज़रूर शेयर करिएगा, ताकि थोड़ा बहुत उन लोगों को भी लाभ मिल सके वीडियो का। तो बस मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, बाय।